नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, सेक्स यानी कि यौन संबंध, लव यानी कि प्यार, सेक्स यानी कि संभोग भी होता है और प्यार यानी कि प्रेम भी होता है। तो ये दोनों का मेल कैसा है? हम क्या समझते हैं सेक्स को? हम क्या समझते हैं प्यार को, प्रेम को? हमारे जीवन से ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है? इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं। दोस्तों, लव और सेक्स, ये दोनों में क्या अंतर है? यानी कि लव यानी कि प्यार, प्यार कितने प्रकार का होता है? और सेक्स यानी कि यौन संबंध, संभोग, ये कितने प्रकार का होता है? और ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? और इन दोनों को ईश्वर ने, परमेश्वर ने क्यों बनाया है? क्या कारण है प्यार और संभोग को बनाने का? कारण क्या है? सेक्स और लव के बीच में क्या रिश्ता है? और ये मनुष्य से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? और मनुष्य इसे कौन से रूप में ग्रहण करता है? क्या समझता है इसके विषय में? और हम इन दोनों को किस नजरिए से देखते हैं? लव और सेक्स को किस नजरिए से देखते हैं और क्या समझते हैं? हमारे विचार क्या हैं इनके प्रति? क्या जब हम लव के बारे में बात करते हैं तो क्या हमें शर्म आती है? क्या जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं यानी कि संभोग के बारे में बात करते हैं तो क्या हमें शर्म आती है? हम इन दोनों के नामों को ले करके हमारे मन में क्या विचार आते हैं और हमारी धारणा क्या होती है, मत धारणा क्या होती है, हमारे मन की सोच क्या होती है इन दोनों के विषय में, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले लव के बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में बात करते हैं, प्यार के बारे में बात करते हैं। और ये लव जो आज हम कर रहे हैं, चल रहा है जो, ये लव का एक असली रूप नहीं बल्कि ये एक झूठा रूप है, ये एक नकली रूप है, ये एक धोखा है, एक भ्रम है, एक जिद है, एक जज्बात है जो आज हम कर रहे हैं। तो लव का असली रूप आज इनके जीवन में नहीं है, आज सभी मनुष्य जाति के बीच में नहीं है। प्यार की समझ या प्यार की परिभाषा इनके जीवन में नहीं है और आज जो कर रहे हैं सभी लोग, ये एक झूठ है और झूठ का प्रतिरूप है, उस प्रेम का झूठ का प्रतिरूप है कि ये प्रेम को करते हैं ऐसा बोल करके, लेकिन उसके अंदर क्या क्या रहती है? जज्बात रहती है, जिद्दीपना रहता है, हैं, बचकानी रहती है, बचकानी हरकतें हैं, नासमझी रहती है। और इस प्रकार से ये सभी गुण मिल करके एक झूठे प्रेम का प्रतिरूप बनाता है और ये जताना चाहता है कि ये उससे कितना प्यार करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये झूठे प्यार का प्रदर्शन कहां कहां होता है। ये भ्रम का और एक जिद का और ये बचकानी हरकतों का, ये धोखा का, ये एक झूठे माया जाल का ये प्रदर्शन कहाँ कहाँ होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये होता है कॉलेजों में, ये होता है स्कूलों में, स्कूल और कॉलेज, स्कूल करने के बाद कॉलेज में, है ना, फिर उसके बाद ट्यूशन क्लास में, है ना, फिर उसके बाद आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, और हर जगह जहाँ आप रहते हैं उस जगह, उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस कॉलोनी में या उस शहर में। और इस प्रकार से आपका ये झूठा जो प्यार का ये माया जाल है, ये आपको अपने वश में ले लेता है। और इस प्रकार से स्टूडेंट और जितने भी और भी जो जॉब करने वाले एम्प्लॉयर हैं, वे सभी लोग इस भ्रम में, इस झूठ में फंस जाते हैं और वो अपना एम भूल जाते हैं, वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, वे अपना पढ़ाई भूल जाते हैं, वे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, वे अपने बच्चे को भूल जाते हैं। इस प्रकार से वो हर एक सामाजिक तौर तरीके भूल जाते हैं, एक नियम और कानून भूल जाते हैं और उनके आँखों में कुछ नहीं दिखता, केवल वो झूठा प्रेम, वो भ्रम और वो बचकानी और वो जिद्दपना, वो सभी चीज़ उनके आँखों में रहता है और उस चीज़ को वो पाने के लिए एक हद पार कर देते हैं, चाहे उसमें किसी का नुकसान हो या किसी का लाभ भी क्यों ना हो, वो इस चीज को नहीं देखते।
चाहे वो उनका भी नुकसान क्यों ना हो, खुद का भी नुकसान क्यों ना हो। इस प्रकार से ये जो झूठ का भ्रम है, ये झूठ का जो प्रेम है, उनके दिलो दिमाग में, उनके आत्मा में ऐसा बस जाता है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ये गलत बात है। प्यार कभी भी अंधा नहीं होता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो लव होता है, कुछ ये जो प्यार होता है, ये कुछ पल का एक मीठा एहसास होता है और ये कुछ देर का जज्बात होता है। ये प्यार नहीं बल्कि कुछ जज्बात हैं, ये कुछ जिद है और ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस प्रकार से ये जिद को किया जाता है। क्योंकि आप आज देख रहे हैं सारे वर्ल्ड में टीवी टेक्नोलॉजी हो गया है, टेलीविज़न का टेक्नोलॉजी हो गया है, मोबाइल का हो गया है और बहुत सारे ऐप्स का हो गया, सोशल नेटवर्क का हो गया है। इस प्रकार से लोग देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, स्टोरी वगैरह देखते हैं और ये जो ये भ्रम जो है, हम जो आँखों से देखते हैं, जो झूठे चीज़ों को देखते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए और आंखों की अभिलाषा के लिए, उस अभिलाषा को हम भी पाना चाहते हैं और उसे वैसे ही ग्रहण करना चाहते हैं जैसा उस हमने जिस टीवी पे देखा था या जिस सीरियल पे देखा था, जैसे वो हीरो हीरोइन के साथ होता है, जैसे वो कपल के साथ होता है, जैसे वो कॉलेज और स्कूलों में होता है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे सीरियल और टीवी में इस प्रकार से देखते हैं। तो ये जो झूठी भ्रम है और ये जो नौटंकी है जो हम देखते हैं, जो नौटंकी, उसको नौटंकी बोलते हैं ना, एक्टर लोग को तो नौटंकी ही बोलेंगे ना, है ना। तो इस प्रकार से वो जो नौटंकी करते हैं, उस नौटंकी को हम भी अपने शरीर में, अपनी आत्मा में उतार करके हम भी एक नौटंकी करते हैं और इस प्रकार से हम नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और ये रियल लाइफ में ऐसा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे करने के साथ साथ हम अपने परिवार को भी दुख देते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने परिवार को दुख देते हैं और हम नहीं जानते कि हमारे आस पड़ोस कौन है, हमारे आसपास कौन है। सिर्फ हम जिसे लव या जिसे प्यार करते हैं वही हमें नजर आता है। हम कोई फैसला लेने के लिए सोचते समझते नहीं है कि ये फैसला सही है या गलत है। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, हमारे जज्बात, हमारे जिद पूरे नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आत्महत्या करने लग जाते हैं। हम फिर ऐसा सोचते हैं कि जब हमें अपनी इच्छा पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं और ये जो प्रेम है ये पूरा नहीं होने दे रहे हैं इन लोग, तो मरना ही बेहतर है। इस प्रकार से रेल पटरी में, इस प्रकार से फांसी लगा लेते हैं, इस प्रकार से जहर खा लेते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तो ये ऐसा प्रेम, क्या ये प्रेम है? दूसरे को दुख देना, क्या प्रेम की परिभाषा हम जानते हैं? सुसाइड कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारे हम अपने रिश्ते को कायम करने के लिए, अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए ना जाने कितने रिश्तों की कुर्बान करते हैं, ना जाने कितने रिश्तों को हम निस्तो नाबूद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और इस प्रकार से हम अपनी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, और ऐसे लोग महामूर्ख कहलाते हैं। महामूर्ख यानी कि कोई समझ नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम देख रहे हैं अपने आंखों से, है ना। कॉलेज और स्कूलों का प्यार, ट्यूशन क्लास का प्यार, जॉब में प्यार और बस्ती में प्यार, मोहल्ले में प्यार और शहरों में और गांव में, पूरे राज्य में प्यार, इस प्रकार से प्यार का जो खेल चल रहा है, कर लेते हैं प्यार और उसके बाद माता पिता राजी नहीं होने पर भाग जाते हैं घर से। भाग जाने के बाद दुख तकलीफ उठाते हैं जिंदगी भर, कहाँ रहना, क्या करना, काम नहीं करना, ऐसा करना, वैसे करना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ठीक है वो भाग भी जाते हैं और जो भागता नहीं वो मर जाता है या सुसाइड कर लेते हैं या फिर उनको मार दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ों को अपने जीवन में रखते हुए वे भाग जाते हैं और माता पिता को दुख और तकलीफ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जीवन भर दुख उठाते रहते हैं। उसके बाद भी वो एक दूसरे से, ये लव मैरिज बोलते हैं ना, लव मैरिज हो गया,
कोर्ट में मैरिज जा करके करते हैं, है ना, मंदिरों में जा करके करते हैं, चर्च में जा करके करते हैं, और इस प्रकार से वो मैरिज तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में अनबन होते रहता है, छोटे छोटे बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने विशेष को वो पूरी करना चाहते हैं, उनकी विश जो है वो रहती है कि मेरी बातों को ये माने। लड़का भी सोचता है मेरी बातों को लड़की माने, लड़की भी सोचती है मेरी बातों को लड़का माने, इस प्रकार से वो दोनों अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो ये पहले किए थे, अपने माता पिता को दुख दे करके, अपने समाज को, अपने लोगों को दुख दे करके इस प्रकार से हरकत किए थे, वो सोचते हैं कि अभी भी हमारी इच्छा पूरी हो, और उनके बीच में लड़ाई झगड़े अनबन होते ही रहते हैं। अगर वो सही मायने में प्यार की परिभाषा जानते तो उनके बीच में तलाक नहीं होता, उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उनकी पत्नियां फांसी लगा के नहीं मरती, या उनका पति दूसरी औरत को लेकर के नहीं भाग जाता, या उसकी औरत दूसरे पुरुष को लेकर के नहीं भाग जाती, इस प्रकार से सामाजिक तनाव नहीं होता उनके बीच में, मानसिक तनाव नहीं होता। अगर उन्हें प्यार की परिभाषा का ज्ञान होता तो असली मायने में प्यार की परिभाषा क्या है, आइए हम देखते हैं। बाइबिल हमें बताती है कि प्यार की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, बाइबिल हमें बताती है प्यार के गुण, प्यार की परिभाषा, और प्यार जिसके अंदर रहता है, मतलब यानी कि जो प्यार करता है उसके अंदर ये सभी गुण को हम देखते हैं और पाते हैं। प्यार का नाम क्या है? दूसरा प्यार का दूसरा नाम है त्यागना, है ना, लेकिन हम लोग प्यार में सब कुछ पाना चाहते हैं। तो आज हमें बाइबिल बताएगी कि प्रेम का असली मायने क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आइए हम देखते हैं। आइए हम यहाँ पे देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, बाइबिल की नए नियम की पुस्तक में से पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 13 अध्याय, उसका कुछ पदों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4वें पद से हम पढ़ते हैं, तो प्रेम की परिभाषा हमें बताती है कि प्रेम हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और जो प्रेम रखता है, जो कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ, तो उसके अंदर ये सब गुण रहना जरूरी है। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम धीरजवंत है। क्या आपके अंदर धीरज धरने की शक्ति है? आप प्रेम करते हैं कहते हैं, अपने ऊपर घमंड करते हैं बहुत, है ना, और प्रेम के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या आप धीरजवंत हैं? नहीं होते हैं। क्या आप कृपालु हैं? और कृपालु है प्रेम, देखो यहाँ पे लिखा है, और कृपालु है प्रेम, डाह नहीं करता, कभी भी चिढ़ता नहीं है और घमंड नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, है ना, फिर वहां पे लिखा हुआ है वो फूलता नहीं यानी कि घमंड नहीं करता, 5वें में लिखा है वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी भी अनरीति नहीं चलता है, प्रेम कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाता है। लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं प्रेम के खातिर, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, है? तो इस प्रकार से वो अनरीति नहीं चलता है, प्रेम जिसके अंदर है वो अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम कभी भी नहीं चाहता है कि मैं दूसरे को दुख दे करके खुद सुख में रहूं, है ना, अगर जो ऐसा चाहते हैं तो उनके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वो झुंझलाता नहीं है, कभी भी वो क्रोधित नहीं होता है, बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी भी बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, जहां कहीं गलत होते हुए देखता है वो खुश नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सत्य से आनंदित होता है, सतमार्ग पर चलने वाले से आनंदित होता है, सच्ची धार्मिकता पर आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातें सह लेता है, और सब बातों की प्रतीति करता है कि वो बात कैसी है, क्या है, किसके लिए अच्छा है कि बुरा है, इस प्रकार से वो सोचता है। और उसके बाद लिखा है सब बातों की आशा रखता है, उसके जीवन में एक आशा रहती है कि ईश्वर की इच्छा होगी तो आने वाले समय में होगा, और ये ईश्वर की इच्छा अनुसार पर वो छोड़ देता है, वो आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, है ना, और इस प्रकार से जो प्रेम का ये गुण है जिसके अंदर है वो धीरज धरता है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे 13 पद में भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई है पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है। तो ये जो प्रेम की परिभाषा है दोस्तों, आज हमने सीखा, इस प्रेम के गुण को अगर आप किसी के अंदर नहीं देखते हैं तो समझ जाना कि ये झूठा प्रेम ही है,
झूठा प्रेम करता है, अपनी इच्छा पूरी करता है। यहाँ पे लिखा गया है बाइबल में कि प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता है। अरे तो प्रेम, प्रेम तो त्याग का नाम है, प्रेम तो दूसरे को सुख देने का नाम है। प्रेम कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, वो अनरीति नहीं चलता। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 13:4 से लेकर के हम 6 तक जब हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम और देखते हैं 13 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो प्रेम की असली परिभाषा ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आज किसी के घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्योंकि वो धीरज नहीं धरते हैं, वो कृपालु नहीं है, वो डाह करते रहते हैं, वो अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझसे ये करता हूं, मैं तुझसे वो करता हूं, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, है ना, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, जान दे दूंगा। प्रेम फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता, है ना। अनरीति अनरीति चलते हैं लोग, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, बुराई करते हैं, झुंझला जाते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं। यहाँ लेकिन लिखा है कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता है प्रेम। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तो क्या आपके जीवन में प्रेम है? क्या आप उस लाइन पे चल रहे हैं? क्या आप वो झूठा प्रेम कर रहे हैं? तो अभी भी मौका है आपको, आपके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके प्रेम से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का जीवन का घात हो रहा है, कोई मर रहा है, तो ये प्रेम प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ दुष्टता भरी हरकतें होती है। और ऐसे लोग करने वाले, ऐसे करने वाले लोग महामूर्ख होते हैं, जो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होने दूंगा, ये कौन सा प्रेम है भाई। और उसके बाद ये भी होता है कि ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं दे रहे हैं, चल हम मरने चलते हैं, और मर जाते हैं। मतलब ये कौन सा प्रेम है? ये मूर्ख लोगों का प्रेम है, ये झूठा प्रेम है, ये कुछ पल भर का जज्बात है, जिद है, बचकानी हरकतें हैं। अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो ये सभी गुण होने चाहिए। आप अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, या रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, या अपने आस पड़ोस वालों से प्रेम करते हैं, या फिर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, तो इस प्रकार से आपके अंदर गुण रहना चाहिए। यह है सत्य प्रेम का, यह है वो तोहफा प्रेम का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। ये जो प्रेम का तोहफा है, ये मनुष्य जाति को परमेश्वर ने दिया है। और इस प्रेम का आज गुण को हमने जाना दोस्तों। जिस प्रकार से प्रेम एक वरदान है हमारे लिए, प्रेम एक तोहफा है, उसी प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्स भी एक परमेश्वर के ओर से तोहफा है, एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है ना। तो परमेश्वर ने हमें, हम मनुष्य जाति को ये वरदान दिया है। मनुष्य जाति को ही नहीं, बल्कि हर जीव जंतुओं को, हमारे साथ साथ हर जीव जंतुओं को अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की वो आशीष दिए, वो वरदान दिया है, अपने जैसे वंश और बच्चे पैदा करने की शक्ति दी है। और इसे हम सेक्स कहते हैं। असली मायने में यही काम आता है सेक्स का। तो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, लेकिन इसके भी कुछ नियम और कायदे हैं। ये कानून परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर के द्वारा जो गॉड गिफ्टेड है, ये जो सेक्स है, ये जो संभोग है, ये जो यौन संबंध है, ये केवल और केवल हम मनुष्य जाति को अपने जीवन साथी के साथ बनाने के लिए दिया है परमेश्वर ने। यानी कि अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के लिए और सेक्स करने के लिए, ताकि हम इस संभोग और इस सेक्स से हम अपने आने वाले वंश को बढ़ा सकें, बच्चा पैदा कर सकें, और यही उसका काम है। और परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से करने को भी कहा है। और जब हम बच्चा पैदा करते हैं, जब हम सेक्स करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, तो ये परमेश्वर के द्वारा आशीष मिलता है और हमारा परिवार बढ़ता है, और इस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीष देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज लोग अपने सारे हदें पार कर रहे हैं। आज जो गॉड गिफ्टेड है, जो परमेश्वर ने दिया है, ये सेक्स और संभोग करने की जो वरदान है, जो शक्ति है, ये परमेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ करने को दिया है, तो ये क्या करते हैं? आज बहुत सारे लोग
आज इसे एक हवस बना लिए हैं, एक नशा बना लिए, एक लत बना लिए हैं, और जिसके वजह से इस हवस और इस नशा और इस लत को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये बलात्कार करते हैं, ये खून करते हैं, ये जुर्म करते हैं और बहुत सारे अफेयर करते हैं और इस प्रकार से ये नाजायज रिश्ते बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आज तो बहुत सारे देशों में वेश्या खाना खोल करके रखे हैं, यानी कि वेश्याओं का घर बना करके रखे हैं, और जिस भी पुरुष को इस नशा की आवश्यकता होती है वो चले जाता है। तो ये जो है इस प्रकार से पाप पर पाप और जुर्म पर जुर्म देश में फैल जा रहा है, सारे राज्य में फैल जा रहा है, और इस प्रकार से परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मतलब आप देखिए कि चाकू को क्या किया जाता है, एक हमारे पास नाइफ है यानी कि चाकू, तो चाकू को किस लिए हम रखते हैं घर में, सब्जियां काटने के लिए। लेकिन कभी हमको क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं, चाकू से किसी का मृत्यु कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, खून कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम मर्डर कर देते हैं चाकू का, लेकिन वो चाकू का इस्तेमाल किस लिए करना चाहिए, सब्जी काटने के लिए करना चाहिए, मांस काटने के लिए करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जिस चीज का जिस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि जो सेक्स है ये संतान उत्पत्ति के लिए हमें दिया है परमेश्वर ने, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हम इस सेक्स को अपना नशा, अपना हवस और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। और यही सब के वजह से रिश्तों में दरार आता है, परिवार में अशांति फैलता है और समाज बिगड़ता है, फिर शहर और देश और राज्य में बुराई फैलता है और इस प्रकार से पाप बढ़ता है। और दोस्तों जो ऐसे करते हैं और ऐसे लोगों को परमेश्वर नाश करेगा और नरक के दंड देगा, उनके जीवन में नरक का जो अभिशाप लग चुका है, जो श्राप लग चुका है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, उनके मरने के बाद भी उन्हें सताएगा और उनके जीते जी भी उन्हें दंड मिलेगा। और आइए हम प्रकाशित वाक्य बाइबल की पुस्तक लास्ट पुस्तक नए नियम की लास्ट पुस्तक में हम देखते हैं, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा हुआ है कि और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा, उस नरक के आग में डाला जाएगा जिसका पीड़ा कभी नहीं बुझता है, है ना, और जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता है। आइए प्रकाशित वाक्य हम उसका 21:8 पढ़ेंगे। यहाँ पे कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर नरक में डालेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह उनकी दूसरी मृत्यु है, बोल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 22 उसका यहाँ पे हम पढ़ते हैं 14:15 में, 22 अध्याय का 14:15 पद में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, है ना, ये बोला गया है यहाँ पे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें जानना है सच्चाई को और पाप करने से बचना है। तो आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा दोस्तों, लोग आज इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस नशे से ग्रसित हैं, ये बीमारी लोगों को अंदर ही अंदर खा देता है, ये कैंसर से भी बहुत भयानक बीमारी है, और ये जो हवस और ये जो सेक्स का जो नशा है जो परमेश्वर ने दूसरे कारणवश बनाया गया था, यानी कि ये संतान उत्पत्ति के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसे सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप पर पाप कर रहे हैं, जिससे ये जो हवस है, ये जो बीमारी है, ये आपके परिवार को तबाह कर देता है, आपके रिश्तों को बर्बाद कर देता है, आपके देश और समाज और सारे राज्य को बर्बाद कर देता है। और अगर आप नहीं बदले तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी सर्वनाश की ओर चले जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम बदलते हैं, हमें आज बहुत सारे लोग बोलते हैं देश बदलो, ये करो वो करो, नहीं, हमें आज अपने आप को बदलना है,
अपने पापों से मन फिराना है और अपने पापों से मन फिरा करके उसे दोबारा नहीं करना है, तभी आप बदलेंगे, फिर उसके बाद आपका परिवार बदलेगा, उसके बाद समाज बदलेगा, उसके बाद देश बदलेगा, इस प्रकार से सारा राज्य बदलेगा, और हम बदलेंगे तो हमारा परिवार भी बदलेगा, इस प्रकार से हमारे परिवार में शांति रहेगा, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश, हमारे शहर में शांति रहेगा, और इस प्रकार से हमारे बीच में पाप का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ये जो सेक्स है और ये जो लव है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखें। परमेश्वर ने ये दोनों को अलग अलग बनाया है, क्योंकि जो प्रेम है वो प्रेम एक जैसा ही होता है सबके लिए, पत्नी के लिए अलग नहीं होता, या समाज के लिए अलग नहीं होता, या बच्चों के लिए अलग नहीं होता, या माता पिता के लिए अलग नहीं होता। तो ये दोनों अलग अलग है, और प्रेम एक ही प्रकार का होता है, जिसके गुणों को आज हमने जाना, और उसके बाद देखा कि सेक्स का क्या काम है हमारे जीवन में, और सेक्स किस कारण बस बनाया गया था, है ना। तो ये सभी चीज़ों को परमेश्वर ने हमें दिया है, गॉड गिफ्टेड है, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो ये दोनों को आपस में ना जोड़े और दोनों को बदनाम ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का तोहफा है, क्योंकि जो परमेश्वर देता है उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे सारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें, और हमारे वेबसाइट में जा करके आप ऑनलाइन बाइबल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट है www.lifeso.co.in में आप जा करके लॉगिन कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके हेल्प ग्रुप में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अब ये हेल्प ग्रुप ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि क्या जब मैं भूखा, मैं नंगा, मैं प्यासा था, तो क्या तुमने मेरी सुधि ली, मैं फुटपाथ में सोया हुआ था, मैं बीमार पड़ा हुआ था, मैं बंदीगृह में था, तो बाइबल में लिखा हुआ है। तो हम उनके जा करके उनके लिए मदद करते हैं, उनकी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें खाना पीना कपड़ा लत्ता जो भी उनकी ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत की वस्तुएं उन्हें मोहलत करवाते हैं। तो आप भी हमारे साथ हेल्प ग्रुप में जुड़ करके उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, जहां ना तो कीड़े, ना तो काई, और ना तो चोर सेंध करता है, है ना। और वचन में ये भी लिखा है कि कंगाल को दो, भिखारी को दो, तो परमेश्वर को उधार देते हो जब तुम कंगाल को देते हो। तो हमारा जो धन है ये अधर्म के धन से हमें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है, या स्वर्ग जाने के लिए मित्र बना लेना है, बाइबल में लिखा है। तो जब हम अधर्म का धन यही है, जो कागज का नोट जिसके लिए आज पाप होता है, जिसके वजह से आज पाप होता है, वही अधर्म का धन है। तो उसी अधर्म के धन से हम अपनी धार्मिकता को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप स्वेच्छा अनुसार आप हमें हेल्प ग्रुप में मदद कर सकते हैं, डोनेशन सेंड कर सकते हैं हमारे स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर पे, हमारे पेपल अकाउंट नंबर पे, और इस प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की महिमा और सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए वीडियो को लाते रहेंगे, हमारे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गुड बाय, नमस्कार।